अरे बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने अपना 13वां पाठ आज्ञाकारी घटोत्कच के मौखिक प्रश्नों को कर लिया है और आज हम इसे मौखिक का दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को विराम चिन्ह के अनुसार पढ़ो। तो आज हम अपना दूसरा प्रश्न करेंगे, मौखिक का दूसरा, और इसे विराम चिन्हों का हम कहेंगे। ये हमें प्रयोग सिखाता है, हमें कितना विराम चिन्हों पर रुकना होता है, कहाँ बल देना होता है, इसका आज हम करेंगे। ये हमारा दूसरा मौखिक प्रश्न है, तो शुरू करते हैं अपने दूसरे मौखिक प्रश्न। ये मौखिक का दूसरा प्रश्न है, मौखिक दूसरा प्रश्न हमारा है, नीचे लिखे वाक्यों को विराम चिन्ह के अनुसार, विराम चिन्ह के अनुसार हमें पढ़ना है। के अनुसार अनुसार पढ़ो, और पहला है हमारा, यार वाक्यों को मैं लिख देता हूं और ध्यान से देखिएगा इसे कैसे पढ़ना है। आदि पुत्रा, इसमें पहले विराम चिन्हों पे आपको देखना है, यार आर्य पुत्र, इसमें आदि पुत्र चिन्ह है, उसके बाद में आर्य पुत्र आप, पुत्री प्रणाम करो, पुत्र इन्हें पढ़ा प्रणाम करो, इन्हें प्रणाम करो, पूर्ण विराम, ये तुम्हारे पाप, ये तुम्हारे पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री हैं, मैं एक और बात लिख लेता हूं। तो आप बच्चों, इनके विराम चिन्हों को पहले आप पहचानना है। ये है, इसमें आदि बोधक चिन्ह है, उसके बाद में करो के बाद पूर्ण विराम है, और फिर ये तुम्हारे पिताश्री हैं, यहां भी पूर्ण विराम है। मैं दो दो वाक्यों को एक बार में लिख लेता हूं। ख है हमारा, हमारा ख जो वाक्य है वह है हिडिंबा, हिडिंबा तुम यह कैसे भूल गई, तुम यह कैसे भूल गई, राक्षस पत्नी, राक्षस पुत्री होते हुए भी
होते हुए भी तुम पांडव वधु हो, वधु हो। तुम ऐसा हिंसक कार्य, तुम ऐसा हिंसक कार्य कैसे कर सकती हूँ? हाँ तो बच्चों ध्यान देना, ये सब मौखिक प्रश्न है, हमें इसका हमें पढ़ना इसको आना चाहिए, इसका पठन हमें सही ढंग से आना चाहिए और हमें विराम चिन्हों को भी पढ़ना चाहिए। विराम चिन्ह में कहाँ अल्प विराम आ रहा है, कहाँ पूर्ण विराम आ रहा है, कहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहे हैं, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहे हैं, इन सबका हमें ध्यान रखना। तो एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए, इसे सुनिए। आर्यपुत्र आप इधर आश्चर्य के भाव होना चाहिए, विस्मयादि हैरानी या विस्मयादि बोधक चिन्ह है, हैरानी का भाव होना चाहिए हम, और इस नाटक का संवाद भी है। आर्यपुत्र आप तुम इन्हें प्रणाम करो, पुत्र इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, आर्यपुत्र आप पुत्र इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। तो विराम चिन्हों पे हमें रुकना है, खासकर पूर्ण विराम पे ग्यारह ज्यादा रुका जाता है अल्प विराम की तुलना में। जैसे ख, हिडिंबा तुम यह कैसे भूल गई कि राक्षस पुत्री होते हुए भी तुम पांडव वधु हो, तुम ऐसा हिंसक कार्य कैसे कर सकती हो? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तुम ऐसा हिंसक कार्य कैसे कर सकती हो? एक बार फिर से इसे ध्यान दीजिए, मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं। आर्यपुत्र आप पुत्र इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिताश्री हैं। हिडिंबा तुम यह कैसे भूल गई कि राक्षस पुत्री होते हुए भी तुम पांडव वधु हो, तुम ऐसा हिंसक कार्य कैसे कर सकती हो? तो ये विराम चिन्हों को पढ़ा, आगे चलते हैं। दो बार वाक्य हैं, इन्हें भी हम लोग लिख लेते हैं। अगला है ग, पिताजी वह देखिए, पिताजी वह देखिए, सामने से कौन आ रहा है, सामने से कौन आ रहा है, कितना विशाल, कितना विशाल, शरीर है उसका, शरीर है उसका, अगला है
क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों रोकते हो हमें, क्यों रोकते हो हमें। कौन हो, तुम और वे क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह और एक अंतिम वाक्य इसका है, हे कुंती नंदन, हे कुंती नंदन, हे महावीर, उस दुष्ट राक्षस से मेरे पुत्र को बता चाहिए, से मेरे पुत्र को बचाइए। तो बच्चों क्या ध्यान देना है, इस पे उच्चारण पे ध्यान देना है, क्योंकि मौखिक है, इसके अंदर हमें विराम चिन्ह कैसे पढ़ा जाता है वो बताया जा रहा है। नीचे देखे वाक्यों को विराम चिन्ह के अनुसार पढ़ो, तो अल्प विराम में कम देर रुका जाता है पूर्ण विराम की तुलना में, ये याद रखना है, अल्प विराम में जरा कम देर रुका जाता है पूर्ण विराम की तुलना में। तो देखो पिताजी वह देखिए, इसमें भी ये भी विराम चिन्ह है, इसमें आदिभोजक का है, इसमें आश्चर्य का भाव आता है, पिताजी वह देखिए सामने से कौन आ रहा है, कितना विशाल शरीर है उसका, क्यों भाई, क्यों रोकते हो हमें, कौन हो तुम, क्या चाहते हो। हे कुंती नंदन, हे महावीर, उस दुष्ट राक्षस से मेरे पुत्र को बचाइए। तो इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग देखा है आपने, इसे कम देर अल्प विराम में जरा कम देर होता है पूर्ण विराम की तुलना में, और प्रश्नवाचक चिन्ह में हमें प्रश्न पूछने का अनुभव भी होना चाहिए, और खासकर ये तो संवाद है। फिर से एक बार देखिए बच्चों, पिताजी वह देखी, आश्चर्य का भाव विस्मयादि बोधक है, पिताजी वह देखी सामने से कौन आ रहा है, कितना विशाल शरीर है उसका, क्यों भाई, क्यों रोकते हो हमें, कौन हो तुम, क्या चाहते हो। हे कुंती नंदन, हे महावीर, उस दुष्ट राक्षस से मेरे पुत्र को बचाइए। तो ये है हमारा मौखिक प्रश्न, और हमने आज कर लिया है इसे मौखिक को। अब हम अपने लिखित प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं, हमारे लिखित प्रश्न उत्तर है, तीन लिखित प्रश्न उत्तर हैं, आप इसे नोटबुक में लिखेंगे। तो हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्न उत्तर की तरफ। हमारा लिखित प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं हम लिखित को
नोटबुक में लिखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है हमारा क, प्रश्न क, ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने की जल्दी में क्यों था? ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने की जल्दी में क्यों था? तो हमें कारण बताना है। उत्तर इसका लिखेंगे। तो बच्चों एक बार उत्तर लिखने से पहले आपको इसका कारण आपको बता दिया जाए। हमने देखा था कि नाटक के शुरू में जब ब्राह्मण परिवार एक जंगल पार कर रहा था तो ब्राह्मण अपने पुत्रों से जल्दी पार करने के लिए कह रहा था, क्योंकि ब्राह्मण ने सुन रखा था, उन्हें पता था, ब्राह्मण परिवार को ही पता था कि इस जंगल में राक्षस रहते हैं और अंधेरा होने वाला था, तो इसीलिए वे जल्दी से जल्दी जंगल को पार करना चाहते थे। वे जंगल को क्यों जल्दी से जल्दी पार करना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने सुना था कि जंगल में राक्षस रहते हैं और अंधेरा भी होने वाला था, तो ये कारण थे। हमें यहाँ कारण ही बताना था, ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने की जल्दी में क्यों था? वो जल्दी से जल्द जंगल पार करना चाहता था क्योंकि राक्षस भी रहते थे जंगल में और अंधेरा होने के बाद राक्षसों की ताकत बढ़ जाती है, खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए वे जल्दी ही जंगल पार करना चाहते। तो हम भी आज यही लिखेंगे। ये हमारा पहला लिखित प्रश्न है और आप इसे साथ साथ लिखते जाइए। तो ये है हमारा पहला लिखित प्रश्न। ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने की जंगल पार करने की जल्दी में था, जल्दी में था क्योंकि क्योंकि उन्हें उन्होंने सुना था उन्होंने सुना था जंगल में राक्षस रहते हैं, जंगल में राक्षस रहते हैं
रहते थे, और अंधेरा होने वाला था, और अंधेरा भी होने वाला था, अंधेरा भी होने वाला था, होने वाला था। तो ये कारण है दो कि उन्होंने सुन रखा था। एक बार इसे फिर से ध्यान से देख लीजिए, आपको इसे अपने नोटबुक में नोट करना है। ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने को जल्दी में था, कोने की हो गया की, इसको भी एक सुधार दीजिए। ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने की जल्दी में था, कि जल्दी में था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जंगल में राक्षस रहते थे और अंधेरा भी होने वाला था। तो ये दो कारण थे कि उन्होंने सुन रखा था कि जंगल में राक्षस रहते थे और अंधेरा भी होना एक कारण था। तो बच्चों फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। मैं एक बार इसे फिर से दोहरा देता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने की जल्दी में क्यों था? ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने की जल्दी में था क्योंकि उन्होंने सुना था कि जंगल में राक्षस रहते थे और अंधेरा भी होने वाला था। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। खा प्रश्न, हमारा ख प्रश्न है, घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है, यह जानकर भीम ने क्या किया? ख है, घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है, यह जानकर भीम ने क्या किया? भीम ने क्या किया? इसका उत्तर हम लिखेंगे। हमने देखा इस नाटक में जब ब्राह्मण ने भीम से मदद मांगी कि हे कुंती नंदन, हे महावीर, आप मेरे पुत्र को बचाइए, क्योंकि जो घटोत्कच था ब्राह्मण के मझले पुत्र को लेके जा रहा था। जब भीम को पता चला तो भीम उन्हें बचाने गए, और जब घटोत्कच से उन्होंने परिचय पूछा तो घटोत्कच ने कहा कि मैं हिडिंबा पुत्र हूँ। और जैसे ही घटोत्कच ने हिडिंबा पुत्र कहा, भीम को समझ आ गया कि घटोत्कच तो उन्हीं के पुत्र हैं। तो उन्होंने उन्हें सही मार्ग दिखाने का निर्णय लिया। सबसे पहले तो वे प्रसन्न भी हुए कि देखो इतना वीर, ये मेरा पुत्र ही है, और फिर उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाने का सोचा। तो यही हम लिखेंगे, ये घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है, यह जानकर भीम ने क्या किया? लिखेंगे घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है, घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है, उन्हीं का पुत्र है,
यह जानकर भीम ने मन ही मन प्रसन्न हुई तथा उसे सही मार्ग दिखाया तथा उसे जीवन का हम कहेंगे जीवन का सही मार्ग दिखाया। मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग दिखाया पूर्ण ज्ञान। तो इसे याद रखना है प्रश्न, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। ये हमारा दूसरा प्रश्न, लिखित का दूसरा प्रश्न है। घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है यह जानकर भीम ने क्या किया। घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है यह जानकर भीम मन ही मन प्रसन्न हुई तथा उसे जीवन का सही मार्ग दिखाया। उन्हें सही मार्ग दिखाया, बताया कि अपने बल पे घमंड मत करो। उसके बाद उन्होंने जो व्रत के पारायण के बारे में भी बताया कि यह उनके कुल की परंपरा नहीं है। तो ये बात थी। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है यह जानकर भीम ने क्या किया। घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है यह जानकर भीम मन ही मन प्रसन्न हुए तथा उसे जीवन का सही मार्ग दिखाया। ये था हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरा लिखित प्रश्न। तो अब तक हमने कौन कौन से प्रश्न किए हैं एक बार फिर से दोहरा देते हैं। एक प्रश्न और बचा है। तो लिखित प्रश्नों में हमने हमारा जो पहला प्रश्न था, बच्चों एक बार ध्यान से उसको देखिएगा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने की जल्दी में क्यों था, ये हमारा लिखित का पहला प्रश्न है जिसे आपको अपने नोटबुक में लिख करके याद करना है। ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने की जल्दी में क्यों था। ब्राह्मण परिवार जंगल पार करने को जल्दी में था क्योंकि उन्होंने सुना था कि जंगल में राक्षस रहते थे और अंधेरा भी होने वाला था। दूसरा प्रश्न हमारा, घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है यह जानकर भीम ने क्या किया। तो हम कहेंगे इसका उत्तर लिखा है, घटोत्कच उन्हीं का पुत्र है यह जानकर भीम मन ही मन प्रसन्न हुए तथा उसे जीवन का सही मार्ग दिखाया। तो यहाँ पे जीवन का सही मार्ग का अर्थ होता है कि उसको एक, अगर किसी भी बलशाली के पास घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बल है तो अच्छी बात है, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो नर बलि की परंपरा चली आ रही थी, तो ये उन्होंने घटोत्कच को भी बताया कि किसी निरीह पे अत्याचार नहीं किया जाता है। और ये बात उन्होंने हिडिंबा को भी बताई थी कि नर बलि खासकर ये इसे सही नहीं माना जाता है। तो ये था जीवन का सही मार्ग दिखाना। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इसे आपको नोटबुक में लिख करके याद करना। और हाँ भाई, हमारा एक और प्रश्न बच रहा है। ग, भीम ने ब्राह्मण का आभार क्यों माना, इसे हम कल लिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आज का आपका गृह कार्य है इस लिखित प्रश्नों को नोटबुक में लिख करके याद करना। आज के लिए बस इतना ही।